तो हवामान विभागे राज्य में मावठानी आगाही व्यक्त करी छे। कमोसमी वरसाद अंगे हवामान विभाग द्वारा तमाम जिला कलेक्टर ने एलर्ट आपवामां आव्यो छे। आज राज्यना घणा विस्तारों में वरसाद वरस्यो। हजू आवतीकाल सुधी मावठानुं संकट रहेशे। लो प्रेशर अने वेस्टर्न डिस्टर्बन्सनी असरना कारणे मावठानी आगाही पण व्यक्त करवामां आवी छे। तेमज खेडूतो माटे पाक अंगे हवामान विभाग द्वारा खास एडवाइजरी जाहेर करवामां आवी छे। पाकने सुरक्षित जग्या पर राखवा सूचना आपी देवामां आवी छे। माछीमारोने पण दरियो न खेडवा सूचना अपाई छे। हवामान विभागना जणाव्या प्रमाणे राज्यना दक्षिण उत्तर सौराष्ट्र अने उत्तर गुजरात रीजियनमां भारेथी अति भारे वरसाद वरसशे। गुजरात में अगले 3 दिन में अनसीजनल रेन होने का संभावना है। उसके लिए फार्मर को उनका जो क्रॉप है उनको सुरक्षित जगहों में रखें और जो पेड़ पौधा जो प्लांट को सपोर्ट चाहिए सपोर्ट दें और अभी इरिगेशन ना करें क्योंकि मोस्टली साउथ गुजरात में बारिश अच्छी खासी बारिश होने का संभावना है। भारी से अति भारी कहीं कहीं जगहों में भी हो सकती है। तो जे रीतनी आगाही करवामां आवी छे, 1 ડિસેમ્બરે सूरत नवसारी डांग अने वलसाडमां अति भारे वरसाद वरसवानी आगाही हवामान विभाग द्वारा व्यक्त करवामां आवी छे। 1 અને 2 ડિસેમ્બરે राज्यमां वरसादी माहौल रहेशे, जेमां 1 ડિસેમ્બરે भारे वरसाद अमरेली भावनगर साबरकांठा अरवली आणंद वडोदरा भरूच नर्मदा अने तापी सहित विस्तारोमां वरसवानी आगाही हवामान विभाग द्वारा व्यक्त करवामां आवी छे। जो 2 ડિસેમ્બરની વાત કરવામાં આવે તો અહીં સાબરકાંઠા અરવલ્લી મહીસાગર દાહોદ અને છોટાપુર છોટાઉદેપુર સહિતનો જે વિસ્તાર છે ત્યાં ભારે વરસાદ 2 ડિસેમ્બર એટલે કે આવતીકાલે નોંધાઈ શકે છે। આ ઉપરાંત કેટલાક વિસ્તારોમાં મધ્યમ અને હળવા ઝાપટા વરસવાની પણ આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। પરંતુ 2 ડિસેમ્બરે साबरकांठा अरवली महीसागर दाहोद अने छोटाउदेपुर नो जे विस्तार छे त्यां भारे वरसाद रहेशे।